इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज 12 रबीउल अव्वल यौम पैदाइश, पूरे दुनिया में कंपैशनेट डे यानी कि करुणा दिवस या यौम रहमत के तौर पर मनाया जा रहा। हदीस में आता है और तालीम इस्लाम भी है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे कई माएँ हैं जो यहाँ मजबूर बेबस होकर बैठी हुई हैं, लिहाजा इनको सहारा देने वाले मल्लिकार्जुन यहाँ पर हैं। वो जो काम अंजाम दे रहा है शायद ही कोई दे सकता है, क्योंकि आज के ज़माने में औलाद पर माँ बाप भारी है। लिहाजा इतने सारे माओं को, इतने सारे वालिदैन को, वो किस तरह उनकी खिदमत को अंजाम दे रहे। सबसे पहला तो आपका हमारे चैनल पर खैर मकदम इस्तकबाल। बताइए कि आप इतना बड़ा काम करने के लिए क्या तुम्हें इंस्पिरेशन, क्या प्रेरणा? रेहमान फाउंडेशन दौरे नानु हब्बद हार्दिक शुभाशय बैस्तनी योजना दिवस नम मल्लिकार्जुन जनसेवा संस्थे हतोत्नाक नावे हुटे हाक एर सविद हिरी नागरिक नमी वृद्धाश्रम ऐन ना प्रारंभी इू मुंचित ना उचित प्रारंभमी कड़े ना इलाके सहकार हिरी नागरिक सहकार समाज सेवेली कार्यरत हनीफ सर अंत समाज सेवक सहायते पड़े अनदानी जातिया जनांगद ना हिरी नागरिक वृद्धाश्रम प्रारंभी और जातिया जनांगद नम जात भेदभाव ना हिंदू आगे मुस्लिम आगे क्रिश्चनर आगे इवन नम नमल केस सिबंदी कूड़ा जाति जनांगदार धन्यवाद। इवतीन दिवस निम्न हब्बन अनाथ हिरी नागरिक जो आचरता तुम्हारा सतोषवाद। आज 12 रबी लवल है, एक खुशी का मौका है और सबसे बड़ी बात रहमान फाउंडेशन के लिए है कि आज हम लोग यहाँ पे ओल्ड एज होम आए हैं। जो उम्र रजीदा खवातीन हैं, मर्द हजरात हैं, जो कई सालों से इस घर में रह रहे हैं, जो मल्लिकार्जुन सर हैं 2001 से जो ये ओल्ड एज होम शुरू किए हैं, अभी हमने देखा कि उनकी मिसेस सुजाता मैडम बात करते वक्त उनके आंखों नम हो गए, ताकि वो एक एहसास है कि जिसका कोई नहीं उसकी मदद करने में जो एक मज़ा आता है और उसमें जो लज्जत मिलती है वो अच्छे खाने से और पैसों से नहीं मिलती है। जो ये बड़े उम्र के लोग जिनके कोई बच्चे औलाद नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, उनको ये 25 यहाँ पे है और एक नीचे जो इनका ओल्ड एज होम है वहाँ पे 5 है, करीब 30 लोगों को देख रहे हैं। 2001 से माशाल्लाह दोनों काम कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि इनको और हिम्मत दे और अल्लाह इनके लिए, ईश्वर इनके लिए ऐसे रास्ते खोले कि और उनको तरक्की अता फरमाए। और रहमान फाउंडेशन की जानिब से हमारा मल्लिकार्जुन सर से और ये जितना स्टाफ है उनके उनसे वादा है, जो भी कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत होगी रहमान फाउंडेशन इनके साथ में खंधा पर खंधा मिला के इनके साथ खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह का एहसान है कि हम लोग जो है यहाँ पर बेलगाम में श्री मल्लिकार्जुन सोसाइटी जो उसके जो चलाने वाले हैं मल्लिकार्जुन सर और उनकी मैसेज जो है सुजाता मैडम, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि भारत की एक असल जो तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ पर हर एक का मतलब एक होना, चाहे जिस किसी मज़हब का क्यों ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी एक मोहब्बत की मिसाल पेश कर रहे हैं और हर एक भारतीय को किस तरह रहना चाहिए और अपने अंदर किस तरह अपने दिल की उसात के साथ और हर एक को अपने दिल में किस तरह जगह देना चाहिए, एक पैगाम पूरे भारत मुल्क को देना चाह रहे हैं। और अपना एक छोटा सा एक काम करके, बल्कि ये काम तो दिखने में छोटा है, हकीकत में तो बहुत बड़ा काम है, जैसे कि अभी इत्तेहाद न्यूज़ से हमारे साहब ने भी बताया और हमारे हनीफ भाई ने भी बताया कि कितना बड़ा काम है कि अपने घर में एक आदमी दो आदमी आते हैं तो परेशानी होती है, लेकिन इतने सारे लोगों को ये देख रहे हैं और इतने सारे लोगों का पूरा खाना, इनका पीना, इनकी दवाई पूरा का पूरा इंतजाम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो जहां तक मेरा पैगाम पहुंच रहा है, आप फिक्र करें, जो कुछ हो सके अपने फिर आकर ताउन करें और एक खास करके मैं सबको ये पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं। ऐसे बहुत सारे लोग अपने मोहल्लों में, अपने गांव में बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत हैं,
सिर्फ आधा घंटा या एक घंटा कौम की फिक्र में, अल्लाह के बंदों के फिक्र में अगर हम आधा या पौना घंटा निकाल कर अपने इलाके का सर्वे करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि कई सारे लोग ऐसे हैं बेचारे सिसक रहे हैं, उनकी आहें निकल रही हैं कि क्या इंसानियत खत्म हो गई, क्या इंसान दुनिया से पूरे के पूरे चले गए, कोई हमको पूछने वाला नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग तड़प कर अपने दिलों से आहें निकाल रहे हैं। खास मेरा पैगाम है, हर कोई नौजवान चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, जो कोई घर हो चाहे वो किसी हिंदू का हो मुस्लिम का हो, जाकर तहकीक करें, हालात वाले लोगों की मदद करने की कोशिश करें। बस मैं इतना सा पैगाम पहुंचा कर पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी जानते हैं कि घर के अंदर एक मेहमान आता है तो वो किस तरह से बोझ बनता है, उसके जाने तक हम इंतजार करते रहते हैं घर के अंदर। आज तकरीबन घरों में यही मामला है कि वालिदैन बच्चों पर बोझ बने हुए हैं, उनकी कोई भी बात बच्चों को अच्छी नहीं लगती। लिहाजा इतने सारे वालिदैन को मल्लिकार्जुन सर और उनके अहलिया इनके खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल ये तमाम तालीमात जो है हमारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, लिहाजा हम उस तालीमात को भूलते जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये रहमान फाउंडेशन का शुक्रिया जो उन्होंने यहाँ आया, और इतने सारे जो एक एक फ़र्द की एक एक कहानी यहाँ पर मौजूद है, कईयों के कोई नहीं है तो कईयों के बच्चे होने के बावजूद भी उनके देखभाल करने वाला कोई नहीं है। लिहाजा आज के तमाम लोगों को, आज के नौजवानों को और घर के हर फर्द को इतना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वालिदैन के दिलों को दुखाकर तुम तरक्की नहीं कर सकते। लिहाजा अल्लाह के कहर से बचने की कोशिश करें और वालिदैन के खदमात को अंजाम देते रहें। ಗಂಡದ ನೌಕರಿ ಅದಾನ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಅದಾನ ಈಗ ಬೇಕೆ ಅಂತೆ ಮಗನ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿರಲಿ ನೌಕರಿ ಅದಾರ ಇದ್ದ ಈ ಮುದಿಕೊಳ್ತು ಹಿಂಗ ಮತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಅವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಕಾಣ ತರ್ತಾರ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆತ ಏನು ಆರಾಮೈತ್ರಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಅದಾನ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲೇ ಅದಾನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಯಪ್ಪ ನಾನು ಬೋರ್ದಾಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಂತ ನಾನು ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಬೋರ್ದಾಗುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ತಗೋದಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದು ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆತ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ